ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। जब भी हमें लगता है हम इसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं, कोई ना कोई नई बात सामने आ जाती है। और जब उस नई चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे होते हैं, इसी बीच एक नई और चीज़ सामने आ जाती है। अब ब्लैक होल को ही ले लीजिए। ब्लैक होल के बारे में हम सभी ये बात जानते हैं कि यहाँ पर फिजिक्स का जो रूल है वो काम नहीं करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ से जो रोशनी है वो भी वापस नहीं आ पाती है। इसी ब्लैक होल को लेकर दुनिया के तमाम जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब इसी क्रम में एक नई जानकारी सामने आई है। इसमें दावा किया जा रहा है कि अंतरिक्ष में एक ऐसा ब्लैक होल मौजूद है जो हर रोज एक सूरज को निगल रहा है। ये बात सुनने में काफी चौंका देने वाली है, लेकिन क्या है पूरा मामला, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। दरअसल ये ब्लैक होल हमारे सूरज से 3,400 करोड़ गुना बड़ा है। खास बात तो ये है कि ये करोड़ों सूरज की रोशनी सोखने वाला ये सुपर मैसिव ब्लैक होल J2157 बस एक ही महीने में दोगुने आकार का हो जाता है। ये ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल Abel 85 से बस कुछ ही छोटा है, जिसका वजन 4,000 करोड़ सूरज के बराबर है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक अगर मिल्की वे का ये ब्लैक होल इसी रफ्तार से बढ़ता रहेगा तो ये बहुत जल्द ही हमारी गैलेक्सी के 2/3 तारों को निगल जाएगा। धरती से 120 करोड़ लाइट ईयर्स दूर ये ब्लैक होल सेजिटेरियस ब्लैक होल से 8,000 गुना ज़्यादा बड़ा है। सेजिटेरियस मिल्की वे के एकदम केंद्र में है। वहीं ये जो ब्लैक होल है ये कितने सूरज को निकलेगा, कितने तारों को निकलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े आकार का हो चुका है। वहीं ये ब्लैक होल पहले ही इतना बड़ा हो चुका है कि हर 10 लाख साल में 1% बढ़ जाता है। आपको बता दें ये जो ब्लैक होल है ये ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा चमकदार ब्लैक होल है। इसे खोजने वाले क्रिश्चियन वोल्फ ने कहा है, जितनी तेजी से ये बढ़ रहा है उसी के साथ ये 1,000 गुना ज्यादा चमकदार होता जाता है। वजह ये है कि ये रोजाना अपने भीतर पैदा होने वाली सभी गैसों को भी पी जाता है। इससे बड़े पैमाने पर ऊर्जा और फ्रिक्शन पैदा होता है। मरते हुए तारे की प्रक्रिया के आधार पर ही जापान के फिजिक्स के रिसर्चर ने ब्लैक होल के ओरिजिन और उसके अधिकतम वजन के बारे में जानकारी हासिल करने में कामयाबी पाई है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी और वर्ग इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव एंटीना के जरिए ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया है कि J1707 नाम के ब्लैक होल में पहले से ही 50 सूरज के बराबर वजन है। तारों को निगलते रहने की वजह से ही इसका जो वजन है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है, और जब भी हमें कोई नई बात पता चलती है, कोई नई जानकारी मिलती है, वो हम आप तक जरूर लेकर आते हैं। आज इस वीडियो के जरिए भी मैंने आपको इस नई जानकारी के बारे में बताया है। अब आपको ये जानकारी कितने काम की लगी ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। ABP News आपको रखे आगे।